सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत अमेरिका से 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को खरीदेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पास MI-26 जैसा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भारत इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को क्यों खरीदना चाहता है, और आखिर इन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी क्या खास बात है जो इसे अन्य हेलीकॉप्टर्स से अलग बनाती है। तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकन कंपनी बोइंग रोटर क्राफ्ट सिस्टम द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया ट्विन इंजन टैंडम रोटर यानी दो रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस हेलीकॉप्टर को वेस्टर्न हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में सबसे हैवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है। इस हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को 21 सितंबर 1961 में आयोजित किया गया था और इसे अमेरिकन आर्मी सर्विसेज में 1962 में शामिल किया गया था। इस हेलीकॉप्टर के कई सारे वेरिएंट हैं और भारत इसके CH-47F वेरिएंट को खरीदेगा। तो चलिए ये जानते हैं कि MI-26 जैसा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भारत इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को क्यों खरीदना चाहता है। तो हम आपको बता दें कि MI-26 सोवियत यूनियन द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है और ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में आता है। और सी लेवल पर MI-26 हेलीकॉप्टर की पावर कैपेसिटी का कोई भी अन्य हेलीकॉप्टर मुकाबला भी नहीं कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर की जबरदस्त पावर कैपेसिटी ही इस हेलीकॉप्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हेलीकॉप्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ही इसका वीक पॉइंट भी है, क्योंकि MI-26 एक बहुत बड़ा और भारी वजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसका एम्प्टी वेट 28,200 किलोग्राम है। और इसी भारी वजन की वजह से इसका फ्यूल कंजम्पशन रेट भी ज्यादा है। और वहीं अगर बात करें चिनूक हेलीकॉप्टर्स की, तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स का एम्प्टी वेट केवल 11,148 किलोग्राम है और इसी वजह से MI-26 के मुकाबले में इसका फ्यूल कंजम्पशन रेट बहुत ही कम है। MI-26 की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ समय से इस हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर ज्यादातर टाइम मेंटेनेंस सर्विस में ही रहता है। और वहीं अगर बात करें चिनूक हेलीकॉप्टर्स की, तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट MI-26 के मुकाबले में काफी कम है। MI-26 की मैक्सिमम स्पीड 295 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा है। यानी चिनूक हेलीकॉप्टर्स MI-26 हेलीकॉप्टर्स की तुलना में काफी तेजी से और काफी कम समय में इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स 10,886 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 22,680 किलोग्राम है। MI-26 हेलीकॉप्टर की टेल रोटर में करीब 15% पावर का लॉस होता है और जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर को इस तरह के किसी भी पावर लॉस का सामना नहीं करना पड़ता है और उसका कारण है चिनूक हेलीकॉप्टर का टैंडम रोटर वाला डिजाइन। भले ही MI-26 हेलीकॉप्टर प्योर हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज के मामले में चिनूक हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स MI-26 के मुकाबले में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और मौजूदा समय में भारत की इकोनॉमी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहां पर हम MI-26 जैसे महंगे हेलीकॉप्टर को आसानी से ऑपरेट और मेंटेन रख सकें। और इसलिए फिलहाल भारत को अभी ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो और उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी कम हो, और चिनूक हेलीकॉप्टर्स इन रिक्वायरमेंट्स को आसानी से पूरा करने में सक्षम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।